दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सॉलिड कैम में स्टॉक डेफिनेशन। मतलब स्टॉक को कैसे डिफाइन करते हैं। सॉलिड कैम में स्टॉक डिफाइन करने के लिए पांच ऑप्शन अवेलेबल है, तो एक एक करके देखेंगे किस ऑप्शन से कैसे स्टॉक बनाते हैं। टूल्स में आते हैं, सॉलिड कैम में आते हैं, न्यू पे और मिलिंग थ्री एक्सिस लेंगे। वहां पे मशीन हमने ले लेते हैं जीमेल थ्री एक्स, पालो थ्री एक्स, उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम, द सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस, टैग ऊपर क्लिक कर देते हैं, चेंज टू अपोजिट, इधर से आगे बढ़ते हैं। यहां से एक और ओके करेंगे। अब हमारा स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। स्टॉक डिफाइन पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तरीका आता है बॉक्स से। यहाँ बाय डिफॉल्ट बॉक्स मिलेगा, तो बॉक्स यहाँ पे रहेगा तो आपके मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, तो सिंपल ये बॉक्स आएगा। ठीक है, यहाँ से शो करके देखेंगे ये बॉक्स दिखाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है एक्सट्रूडेड बाउंड्री। एक्सट्रूडेड बाउंड्री क्या होता है, जो आपने एक्सट्रूड किया है उसकी बाउंड्री से आप स्टॉक बना सकते हैं। जैसे इसकी मैंने बाउंड्री सिलेक्ट कर लेता हूँ बाहर वाली, और यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे एक चैन बन जाएगा और शो करके देखेंगे, इससे भी एक सिलेंडर टाइप का मॉडल बन जाएगा। ठीक है, इससे भी आप स्टॉक डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है थ्री डी मॉडल। वो थ्री डी मॉडल कैसे बनाते हैं वो मैं बना के दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं पहले, यहाँ से ओके कर देंगे। अभी इसको नॉर्मल व्यू में रख लेते हैं। हम किसी भी प्लेन पे देखते हैं, किस प्लेन पे आ रहे हैं, टॉप प्लेन पे आ रहे हैं, स्केच करेंगे। और जो हमारा रिवॉल्व है, या फिर हम इसको वायर फ्रेम करके हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। वायर फ्रेम में जाके इसको हम कर रहे हैं कन्वर्ट एंटिटी। ये सारी एज को कन्वर्ट कर लेना होगा, या फिर आप लाइन भी खींच सकते हैं करके। यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ से इसको हमें लाइन ले लेते हैं, यहाँ से आर्क ले लेते हैं, बाद एक लाइन है यहाँ से आते हैं, उसको लाइन में ले लेते हैं। इधर से हम यहाँ सेंटर तक एक लाइन, ये हमारे एक स्केच बन गया। ठीक है, फुल्ली डिफाइन है। इसको हम वायर फ्रेम से हटा देंगे, उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ स्केच फोर आ गया, उसके बाद रिवॉल्व वॉश में इस पे जाएंगे और यहाँ से अनमर्ज रखेंगे, और रिवॉल्यूशन और एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन में अंदर ये एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। हमारा एक मॉडल इसके ऊपर क्रिएट हो गया। स्टॉक पे जाएंगे, डिफाइन पे जाएंगे, और इधर लेंगे हम थ्री डी मॉडल। 3D मॉडल लेने के बाद हम यहाँ पे जो अभी मटेरियल जनरेट किया है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 3D मॉडल में स्टॉक डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इस मॉडल का आप हाइड कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारा जो टारगेट है वो दिख रहा है। ठीक है ना, उसके बाद भी एक ऑप्शन, दो ऑप्शन और है अभी, वो ये है सिलेंडर। सिलेंडर में आप जानते हैं डायरेक्टली मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिलेंडर जनरेट कर लेगा। सिलेंडर टाइप इसमें एक्स में कितना मटेरियल, सॉरी वो प्लस में जेड में कितना है वो डिफाइन करना है। यहाँ पे दे सकते हैं जेड माइनस की तरफ कितना है वो डिफाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाई के ऊपर कितना है वो डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनल अगर जो कुछ है तो यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज इंटरनल हमारा 16 mm है, यहाँ पे 16 डिफाइन कर लेंगे। और इंटरनल ऑफसेट, अगर जो इंटरनल डायमीटर के अंदर आप ऑफसेट देना, तो इस पे क्लिक करके कितने ऑफसेट रखना है, जैसे 2 mm, जो भी इसकी आईडी होगी वो 2 mm ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टॉक डिफाइन करते हैं। बाकी एक ऑप्शन और है, जो वो है एसटीएल। एसटीएल जब हम डिफाइन करते हैं, जब हमारा ऑपरेशन कुछ हो जाता है और उस ऑपरेशन को सेकंड सेटअप में दिखाना है या सेकंड साइड के लिए बनाना है दूसरी फाइल में, तो हम वहां से एसटीएल डिफाइन करके स्टॉक में उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके।